उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में सिविल लाइन बड़ा परेड ग्राउंड में माननीय सदर विधायक पलटू राम जी द्वारा उद्घाटन किया गया, जो आम जनमानस के लिए एक प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें आम जनमानस के लिए बड़े बड़े झूले, मौत का कुआं आदि कई प्रकार के झूले लगाए गए हैं और दुकानें भी लगाई गई हैं, जिसमें कई प्रकार के अच्छे अच्छे आइटम्स सस्ते दामों में उपलब्ध हैं। आम जनमानस के लिए पार्किंग की भी व्यवस्था की गई है। राजस्थान के बारां छिपा बड़ौद उपखंड एवं तहसील मुख्यालय स्थित कस्बा क्षेत्र के यादव मोहल्ले में 2018 से चालू श्री राम भंडारा यादव मोहल्ला छिपा बड़ौद पैदल जाने वाले यात्रियों के लिए चाय, नाश्ता और भोजन की व्यवस्था निरंतर जारी है। भंडारे में छोटे छोटे बालक बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं, तो वहीं बड़े बुजुर्ग पुरुष, महिला और पदयात्रियों द्वारा कीर्तन भजनों से भंडारे में भक्तिभाव की समा बांध रहे हैं। ये भंडारा सभी के जन सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। सुबह 11 बजे से रात के 10 बजे तक भंडारा चालू रहता है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर। उत्तर प्रदेश के बस्ती में एसपी गोपाल सिंह चौधरी के निर्देश पर अभियुक्त चढ़ा पुलिस के हत्थे। शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाला वांछित अभियुक्त हुआ गिरफ्तार। एसओ नगर जनार्दन प्रसाद ने पुलिस टीम के साथ अभियुक्त को किया गिरफ्तार। पुलिस ने अभियुक्त विशाल उर्फ अमेरिका को किया गिरफ्तार। अभियुक्त के खिलाफ धारा 504, 506, 376 और पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज था मुकदमा। पुलिस ने अभियुक्त को बस्ती जिले के नगर थाना क्षेत्र के करहली तिराहे से किया गिरफ्तार। अभियुक्त को गिरफ्तार करने में हेड कांस्टेबल मृत्युंजय मिश्रा, महेंद्र यादव, कांस्टेबल अरविंद कुमार, तबरेज आलम आदि मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में विकासखंड ललौरी खेड़ा ब्लॉक में किसान यूनियन भानु प्रताप सिंह की अध्यक्षता में मासिक पंचायत आयोजित की गई, जिसमें किसानों और मजदूरों और गरीबों की समस्याओं को रखा गया, जिसमें बताया गया कि ग्राम पंचायतों में आए दिन अधिकतम नाली एवं जल विकास को लेकर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इससे जल भराव हो जाने के कारण बीमारियां अधिकतर पनप रही हैं। इसमें बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए खंड विकास अधिकारी ललौरी खेड़ा को ज्ञापन सौंप कर जल निकास व्यवस्था एवं नाली, इसके लिए जाँच पड़ताल के लिए अनुरोध किया गया। निःशुल्क बोरिंग योजना के द्वारा कराई गई बोरिंग में मिस्त्री द्वारा अवैध वसूली की जा रही है तथा बोरिंग सुचारू रूप से नहीं चल रहे हैं। ननास खंड के अंदर इतनो बड़ो बवाल मचो हो है कि गरीबन की झोपड़ी परी भी उनको कोई ध्यान ना है। रहीसन के मकान बन रहे हैं, रहीसन के सब काम बन रहे हैं, बताबो दो मंजिल पर तक मकान बन रहे हैं, अब झोपड़ी की तरफ किसको कोई ध्यान ना है। सरकार की नीति है कि हर किसी को मकान मिलना चाहिए, लेकिन आप बता रहे हैं कि दो मंजिल पर मकान बने हुए हैं। हाँ, ऐसे हीरो है, कोई किसी की सुनैया ना है। जहाँ पैसा मिल रहा है तहाँ पे मकान बन रहा है, उनको काम हो रहा है जिनके पास पैसा है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में कांग्रेस कार्यालय में आज खुशी का माहौल है। कार्यकर्ता ढोल और नगाड़े बजा रहे हैं, एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं, क्योंकि उनके नेता राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो गई है। रायबरेली के जिला कांग्रेस कार्यालय तिलक भवन में होली जैसा माहौल देखने को मिला। लोग एक दूसरे के ऊपर गुलाल डाल रहे थे। जिला अध्यक्ष पंकज तिवारी ने कहा कि जिस तरह से राहुल गांधी को षड्यंत्र के तहत फंसाया गया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उन्हें संसद में जाने की अनुमति दी गई है, जिससे कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। नगरपालिका अध्यक्ष शत्रुघ्न सोनकर ने भी तिलक भवन पहुंचकर कार्यकर्ताओं के साथ खुशी में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने राहुल गांधी को फंसाने के लिए षड्यंत्र रचा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने न्याय करते हुए उनकी सदस्यता बहाल कर दी, इसलिए कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। आज खुशी मनाई जा रही है कि राहुल गांधी जी की संसद सदस्यता बहाल हो गई है, क्योंकि जिस तरह से इस सरकार ने राहुल गांधी को की सदस्यता समाप्त कर दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो है बहाल कर दी है। इसी विषय पर लेकर के आज हम लोग खुशी मना रहे हैं कि राहुल गांधी की जीत हुई है और ये पूरे हिंदुस्तान की जनता की जीत हुई है, इसलिए खुशी मना रहे हैं हम लोग। ये आज
हम कांग्रेसियों और पूरी देश की जनता के लिए बड़ा गर्व का दिन है, खुशी का दिन है। इसी के लिए हम लोग आज खुशियां मना रहे हैं। आप लोग खुद देख सकते हैं, पूरा सब रंगों से खेल रहे हैं यहाँ पे लोग। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जिस तरह राहुल गांधी जी की सजा पे रोक लगाई गई और आज उनकी लोकसभा सदस्यता नोटिफिकेशन के माध्यम से ख़त्म कर दी गई, वो संसद की सदस्यता बहाल हुई है, सब खुश हैं। जनता के मुद्दों को लगातार राहुल जी जैसे उठा रहे थे, दोबारा से हम लोग संसद में देखेंगे। जन जन की आवाज़ है राहुल गांधी जी, जिस तरह उन्होंने पिछले दिनों जनता के मुद्दे उठाए, ये न्याय की जीत है, सत्य की जीत है और जनता की आवाज़ की जीत है, लोकतंत्र की जीत है। उन्नाव में अखंड भारत के संकल्प के उपलक्ष्य में विमल द्विवेदी के नेतृत्व में गत वर्षों की भांति 14 अगस्त को हिंदू जागरण मंच की प्रस्तावित विशाल तिरंगा यात्रा के उपलक्ष्य में अब तैयारियां जोरों पर हैं। इसी क्रम में कचहरी के पास तिरंगा यात्रा की तैयारियों के मद्देनजर एक सेल्फी पॉइंट का उद्घाटन जिलाधिकारी अपूर्वा दुबे द्वारा किया गया। वहीं विमल द्विवेदी ने समर्थ मां समर्थ भारत की अध्यक्षता अनीता द्विवेदी के साथ मिलकर जिलाधिकारी को प्रतीक चिन्ह अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया। विमल द्विवेदी ने बताया 151 मीटर तिरंगे के साथ निकलने वाली यात्रा को भव्यता दिव्यता मिल सके, इसलिए अधिक से अधिक जनपद वासी इसमें जरूर शामिल हो। वर्षों के बाद इस वर्ष भी जैसा कि हिंदू जागरण मंच और नरसेवा नारायण सेवा के तत्वाधान में एक अखंड भारत संकल्प के साथ हिंदू जागरण मंच और नरसेवा नारायण सेवा द्वारा एक विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन गत वर्षों के बाद 14 अगस्त 2023 को निकलने वाली विशाल तिरंगा यात्रा के आज सेल्फी पॉइंट का उद्घाटन आदरणीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा किया गया है। इसमें आम जनमानस को, युवाओं को जागरूक करने के लिए भारत माता और चंद्रशेखर आजाद जी के सेल्फी पॉइंट लगाए गए हैं, जिसमें लोग अपना सेल्फी डालकर तिरंगे के प्रति अपना भाव प्रकट कर सकें। लाखों लाख जो 7.5 लाख से अधिक बलिदानी हैं उनके प्रति हम लोग कृतज्ञता जाहिर कर सकें। ऐसे एक भाव के साथ विशाल तिरंगा यात्रा आगामी 14 तारीख को निकलने वाली है, जिसमें सैकड़ों सैकड़ों भव्य झांकियाँ होंगी। 151 मीटर तिरंगा होगा। रामलीला ग्राउंड से लेकर आवास विकास वृंदावन गार्डन तक ये यात्रा निकलने वाली है, जिसमें आर्मी बैंड व तमाम आकर्षण झांकियाँ रहेंगी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।